हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कम माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल जिसका नाम है नेक्टर इन अ सीव और इसको लिखा है कमला मार्कंडेय ने 1954 में। इसका जो टाइटल है नेक्टर इन अ सीव वो कहां से लिया गया है? इसका टाइटल नेक्टर इन अ सीव लिया गया है वर्क विदाउट होप, और वर्क विदाउट होप किसने लिखा है? एच डी कोलविज ने, और इसका टाइटल वहीं से ही आया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, द टाइटल ऑफ नेक्टर इन अ सीव इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सो द आंसर इज वर्क विदाउट होप एंड इट इज रिटन बाय एच डी कोलविज। नाउ वी डिस्कस द नॉवेल। सो दीज आर द कैरेक्टर्स नेम ऑफ द नॉवेल, एंड नॉवेल पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप समझ जाएंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक नेक्टर इन अ सीव। सो नाउ वी विल स्टार्ट द नॉवेल। द फर्स्ट इज रुक्मणी, सेकंड इज नाथन। ये जो रुक्मणी है ये गांव के हेड होते हैं, ये उनकी बेटी होती है रुक्मणी, उसकी शादी नाथन से हुई है। नाथन जो कि एक विलेज फार्मर है, जब रुक्मणी की शादी हुई है तो ये 12 ईयर्स ओल्ड है। इसकी नाथन के साथ शादी हो जाती है, और नाथन के साथ शादी होने के बाद इन लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बहुत पॉवर्टी है इनके पास, क्योंकि फार्मर आप समझ सकते हैं किसान की लाइफ कैसी होती है। नाथन से इसकी शादी हो जाती है, जो इसको फर्स्ट बेबी जो होता है, इसकी फर्स्ट डॉटर होती है, इसकी डॉटर का नाम होता है इरा। इरा इसकी फर्स्ट डॉटर होती है, लेकिन हमेशा से नाथन को ये लगता है कि अरे मेरे कोई बेटा नहीं है, मुझे बेटा होना चाहिए, तो ये बहुत परेशान रहता है नाथन। तो रुक्मणी क्या करती है, डॉक्टर कैनिंगटन से विजिट करती है। उसके ही गांव में डॉक्टर कैनिंगटन जो कि इंग्लिश डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलती है विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को बिना बताए डॉक्टर कैनिंगटन से मिलती है। इनको शॉर्ट में नॉवेल में डॉक्टर कैनी भी बोला गया है। डॉक्टर कैनिंगटन से मिलते हैं जो कि इसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद रुक्मणी प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको 5 बेटे होते हैं। इसके रुक्मणी के 5 बेटों का नाम ये है अर्जुन, थाम्बी, मुरुगन, राजा, सेल्वम एंड कुटी। कुटी इसका लास्ट सन होता है। इसके 6 बेटे होते हैं। अब जैसे ही जैसे बच्चे हो रहे हैं, इनकी पॉवर्टी दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं इतने सारे बच्चों के साथ परिवार का भरण पोषण करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, इसके बाद ये लोग रुक्मणी और नाथन इरा की शादी एक अच्छे लड़के से कर देते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है कि इरा भी अनप्रोडक्टिव लेडी होती है। इरा भी किससे परेशान है? इनफर्टिलिटी से परेशान होती है। तो इरा के हस्बैंड रुक्मणी और नाथन के पास इरा को छोड़ जाते हैं। इरा बहुत परेशान होती है। रुक्मणी क्या करती है, अगेन वो डॉक्टर कैनी के पास जाती है इरा को लेकर जाती है बिना बताए अपने हस्बैंड को। लेकिन जब तक वो जाती है और जब तक डॉक्टर कैनी इरा का इलाज करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इरा का हस्बैंड दूसरी शादी कर चुका होता है। अब इरा हमेशा के लिए इन लोगों के पास रह जाती है, रुक्मणी और नाथन के पास। रुक्मणी और नाथन के 2 बेटे अर्जुन और थाम्बी, वहां पे टेनरी का काम चल रहा होता है, वहां पे ये लोग काम करने लगते हैं अर्जुन एंड थाम्बी। इनका बेटा मुरुगन होता है, वो सिटी में चला जाता है जॉब करने के लिए। राजा की डेथ हो जाती है। राजा की डेथ कैसे होती है? राजा यहाँ टैनरी पे जाता है, और यहां से काफ स्किन चुराता है। काफ स्किन चुराने की वजह से राजा को मार दिया जाता है। इसको पब्लिक पकड़ लेती है राजा को मार देती है। उसके बाद आता है सेल्वम। सेल्वम का क्या होता है इस नॉवेल में? सेल्वम डॉक्टर कैनी के यहाँ, डॉक्टर कैनी हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वहां पे सेल्वम को एज अ असिस्टेंट अपने यहाँ जॉब दे देते हैं और ये वहां पे रहने लगता है। ये तो था इनके बच्चों का डिस्क्रिप्शन। अब हम कुछ देर बाद बात करेंगे कुटी की। रुक्मणी एंड नाथन के पास इरा भी रह रही है। यहाँ पे इरा के रहने के बाद यहाँ पे टहनरी से अर्जुन और थाम्बी को निकाल दिया जाता है, तो इन लोगों के घर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। धीरे धीरे इरा भी है इन लोग के साथ में। अब इरा का इलाज चल रहा है और रुक्मणी अगेन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपने 6 बेटे यानी कि कुटी को जन्म देती है।
कुटी एक बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चा होता है ड्यू टू पॉवर्टी, अच्छे से खाना पीना उसको नहीं मिलता। इरा जैसा का जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरा इनफर्टाइल होती है, तो इरा कुटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इसके लिए वो क्या करे, लेकिन पैसों की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है घर में, तो टैगली कुछ इंग्लिश मैन होते हैं उनके साथ जो इरा का सेक्सुअल रिलेशन डेवलप हो जाता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, सिर्फ किस लिए, अपने भाई कुटी की केयर करने के लिए। बहुत कोशिश करने के बाद भी इरा कुटी को नहीं बचा पाती है और उसकी डेथ हो जाती है, और इरा यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है एक एल्बियन ऑफिसर के थ्रू, ये प्रेग्नेंट हो जाती है इरा, और ये इसको बेटा होता है ये सैक्रेबेली, ये इसी का ही बेटा होता है, एल्बियन का ही बेटा होता है। ये सब लोग इसको अपनी सोसाइटी का अपनी कास्ट का नाम होने के बाद भी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं सैक्रेबेली को, और इसकी बहुत ही केयर करने लगते हैं। यहाँ पे चीजें दिन पे दिन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इतने में ही चीजें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब थी। रुक्मणी को और नाथन को न्यूज मिलती है गांव वालों के थ्रू कि उनको जिस घर पे रह रहे हैं उस जगह को उनको छोड़ना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंडरिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, उस टाइम पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, राइस हार्वेस्टिंग, इंडिया चावल की फसल होती है, तो चावल की फसल ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रुक्मणी कुछ चावल जमीन के नीचे छिपा के रख देती है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है कुंथी, इसका ये रोल है कि कुंथी पिछले पास में कुंथी और नाथन का रोमांस था, इसका अफेयर कुंथी के साथ था, जिससे कुंथी को एक बेटा भी था। ये बात रुक्मणी को पता चल जाती है। कैसे पता चलती है, जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है खाने पीने की, तो कुंथी जो चावल रुक्मणी ने जमीन के नीचे छुपा के रख दिए थे इमरजेंसी के लिए, कुंथी आके वो चावल चुरा के ले जाती है। जब नाथन से शिकायत करती है रुक्मणी कि कुंथी यहाँ पे आके चावल चुरा के ले गई है और मैं उसके घर जा रही हूँ, तो नाथन उसको रोक देता है कि नहीं, तुम्हें कुंथी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, तब उसको ये पता चलता है कि लास्ट टाइम कुंथी और नाथन का अभी अफेयर था और उससे उनको बेटा भी है, तो यहाँ पे रुक्मणी इसको नाथन को माफ कर देती है। नाथन को माफ करने के बाद अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रुक्मणी और नाथन सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से शहर चले जाए मुरुगन के पास, तो रुक्मणी और नाथन अपने बेटे मुरुगन के पास सिटी में जाते हैं। सिटी में जाने के बाद मुरुगन को ये लोग बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, किसके हेल्प से, पुली की हेल्प से ये मुरुगन तक पहुंच पाते हैं, और इस टाइम पुली की एज है 12 ईयर्स ओल्ड। पुली इनको बहुत मुश्किल से जाके मुरुगन से मिलवाता है जाके। जब रुक्मणी और नाथन वहां पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मुरुगन के बेटे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत ज्यादा दुबला होता है, मतलब रुक्मण और नाथन का ग्रैंडसन बहुत ज्यादा बीमार होता है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, और मुरुगन ने बिना अपनी फैमिली को बताए शादी भी कर ली थी, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया था, अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था, इवन वो लोग मुरुगन से मिल नहीं पाते हैं। आप ये लोग क्या करें, जब मुरुगन की कंडीशन मुरुगन की तो मिलता नहीं है, मुरुगन की वाइफ की और बच्ची की कंडीशन तो पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, उनके यहाँ तो रुकना पॉसिबल था नहीं। तो ये लोग रुक्मणी और नाथन एक मंदिर में जाके रुकते हैं, मंदिर पे जाके सोते हैं, वहां जो खाना बांटा जाता है लोगों को उस खाने से अपना काम चलाते हैं। पुली इनको काम सिखा देता है, स्टोन कटिंग का काम सिखा देता है। रुक्मणी और नाथन वो काम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम लोग धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर लेंगे और हम लोग अपने गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक बार क्या होता है, रुक्मणी को जब पैसे मिलते हैं तो पुली के लिए कुछ खिलौने खरीद देती है और नाथन के लिए खाने के लिए सामान खरीदती है, और सोचती है मैं जाके नाथन को खिलाऊंगी और नाथन को घर लेके जाऊंगी। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। जब तक रुक्मणी नाथन के पास पहुंचती है तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है, वो देखती है कि नाथन बहुत ज्यादा बीमार है। रुक्मणी नाथन को लेके घर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो घर नहीं जाता है, रुक्मणी के बाहों में लेटा होता है और रुक्मणी को अपने पुराने टाइम की अच्छी अच्छी मेमोरी याद दिलाता है, और वहीं पर रुक्मणी की बाहों में ही नाथन की डेथ हो जाती है। अब तो रुक्मणी का कोई बचा ही नहीं है, रुक्मणी बहुत परेशान होती है, वो अब शहर में सिर्फ वो और पुली है।
वो पुली को अपना एज अ एडॉप्टेड सन मानती है और पुली से कहती है कि हम लोग गांव वापस चलेंगे। और रुक्मणी और पुली वापस चले जाते हैं गांव में और वहां पे रुक्मणी पुली को सेल्वम से इंट्रोड्यूस कराती है। सेल्वम जो कि डॉक्टर कैनी के यहाँ एज अ असिस्टेंट काम कर रहा होता है, वहीं पर इरा भी होती है। तो रुक्मणी पुली को इंट्रोड्यूस कराती है। इरा और सेल्वम पूछते हैं कि ये पुली कौन है, तो ये बताती है कि ये पुली हमारा एडॉप्टेड सन है जिसको मैंने और नाथन ने शहर में अडॉप्ट किया था। इतने में ही इरा जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगती है पुली के लिए, और सेल्वम अपनी माँ को श्योर करता है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुली के लिए पूरी तरीके से चीजें मैनेज करेंगे। और इस तरह से यही पे नॉवल खत्म हो जाती है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगी जो नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। इसे पूछा गया था, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन अ सीव बाय कमला मार्कंडेय। तो इस नॉवेल का जो हमारा नरेटर है वो रुक्मणी ही है, या ये आंसर हमारा सही होगा। आरपीएससी का मतलब है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, द टाइटल ऑफ वन ऑफ कमला मार्कंडेय नॉवेल इज ड्रॉन फ्रॉम एफटी कोलरेज पोयम वर्क विदाउट होप। कौन सा कमला मार्केंडे की कौन सी नॉवेल का टाइटल एच टी कोलरेज की पोयम वर्क विदाउट होप से लिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज नेक्टर इन अ सीव। आई होप सो कि आप सब लोगों को ये आंसर समझ में आ गए होंगे अच्छे से और ये नॉवेल समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच।